क्या आपको भी प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में स्टमक टाइटनिंग यानी कि पेट में कड़कपन महसूस हो रहा है? अगर आपका दूसरा या तीसरा तिमाही चल रहा है तो अगर आपके पेट में ये कड़क हो जाना, एकदम से दर्द होना, ये समस्याएं हो रही हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आज का वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। साथ ही में हम बात करेंगे कि पेट का कड़क होना किस तरफ संकेत करता है, क्या आप इससे पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो में एक बार फिर से लेके आई हूँ प्रेगनेंसी वीडियो। तो अगर आपके साथ भी ये समस्या हो रही है कि आपकी प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर से ही आपको अपने पेट का कड़क हो जाना महसूस हो रहा है या पेट में दर्द होना महसूस हो रहा है तो आज की वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। साथ ही में हम बात करेंगे कि पेट का कड़क होना किस तरफ संकेत करता है, क्या आप इससे पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। तो होता क्या है ना, प्रेगनेंसी के दौरान जैसे ही हम कंसीव करते हैं ना, तो हमारा पेट जो होता है स्पेशली गर्भाशय, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जब गर्भाशय बढ़ता है तो आपका पेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है और दूसरे तीसरे तिमाही आते आते तो आपका गर्भाशय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको पेट में कड़कपन वाली समस्या या फिर पेट में दर्द होने की समस्या आपको फील होना शुरू हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ये पेट का कड़क हो जाना कहाँ तक नॉर्मल है और वो कौन सी कंडीशन है जब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो कौन सा सिचुएशन है जब पेट का कड़क हो जाना आपके लिए गंभीर साबित हो सकता है, आप और आपके बच्चे के लिए ये काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। साथ ही में हम बात कर रहे हैं कि इससे हमें क्या संकेत मिलता है, क्या इससे भी हम पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। एक बात मैं पहले ही बता दूँ, मैं या मेरा चैनल लिंग में पल रहे बच्चे के लिंग परीक्षण को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते हैं और अगर आप ऐसा कराते हैं तो आपको आपके डॉक्टर को और हॉस्पिटल को सजा हो सकती है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे पहली तिमाही में पेट का कड़ा होना किस तरफ संकेत करता है। पहली तिमाही में अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि बार बार आपका पेट कड़ा हो जा रहा है तो देखिए इसके पीछे कई सारे रीज़न होते हैं। सबसे पहला रीज़न होता है कि जैसे ही हम कंसीव करते हैं और पहली तिमाही में हमारा गर्भाशय बड़ा होना शुरू हो जाता है, साथ ही में हमें कब्ज की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, ये गैस बनना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। तो गैस बन रहा है, कब्ज की समस्या हो रही है, खाना प्रॉपर नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, तो इसकी वजह से भी आपको पेट कड़ा होना महसूस होगा। साथ ही में आपको हो सकता है पेट के निचले हिस्से में दर्द हो, पेट में दर्द हो, तो ये बहुत ही आम बात है अगर आपको गैस और कब्ज की समस्या बन रही है। लेकिन अगर आपको निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, आपको ब्लीडिंग की समस्या है और बिल्कुल असहनीय दर्द हो रहा है ना, तो ये एक कारण होता है गर्भपात का। जी हाँ, मिसकैरेज होने के भी सिम्टम होते हैं और इस टाइम पे भी आपके पेट जो है ना वो कड़क होना या टाइटनिंग वाली फीलिंग आएगी, आपको लगेगा पेट आपका बहुत कड़ा हो गया है। तो ये भी शुरुआती तौर में स्टार्टिंग के 3 महीने में बहुत ही आम होता है, क्योंकि अगर बिल्कुल आपने थोड़ी भी लापरवाही की या हो सकता है किसी को मेडिकल इशू हो तो भी गर्भपात यानी कि मिसकैरेज हो जाता है। तो अगर स्टार्टिंग के 3 महीने में आपके साथ, देखिए अगर नॉर्मल 30-40 सेकेंड के लिए अगर पेट कड़ा हो रहा है और गैस और कब्ज की समस्या है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, आपको वाइट डिस्चार्ज के साथ बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है और आपके निचले हिस्से में बहुत ही तेज असहनीय दर्द हो रहा है ना, तो ये बिल्कुल बिल्कुल संकेत है कि आपका मिसकैरेज हुआ है। तो इस टाइम पर आपको शांति से और ठंडे दिमाग से काम लेना है और अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, उससे बात करनी है, वो जैसा सजेस्ट कर रहा है आपको वैसे ही करना है और बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। तो ये थे कुछ रीज़न जिसकी वजह से पहली तिमाही में आपका पेट कड़ा हो सकता है। अब हम बात करेंगे दूसरी तिमाही में पेट कड़ा होने के पीछे क्या रीज़न होता है। दूसरी तिमाही में होता क्या है ना कि जो प्रेग्नेंट महिला होती है, गर्भवती महिला होती है, उसका गर्भाशय तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से मांसपेशियों पे खिंचाव पड़ता है, लिगामेंट पे खिंचाव पड़ता है और इस टाइम पे आपको पेट कड़क होने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा राउंड लिगामेंट में भी खिंचाव पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार आपको अपने पेट के निचले हिस्से में बिल्कुल चुभन वाला दर्द हो सकता है, ऐठन हो सकता है, इस टाइप की समस्या आपको हो सकती है और गर्भाशय का आकार तो बढ़ ही रहा है, जिसकी वजह से आपके सारे ही ऑर्गन पे दबाव पड़ता है, तो इस वजह से भी आपके पेट जो होता है कड़क होने की समस्या होती है। अगर मैं बात करूँ राउंड लिगामेंट में जो चेंजेस आते हैं या राउंड लिगामेंट पेन जो होता है यानी कि पेट के
निचले हिस्से में जो पेन होता है वो कई रीज़न हो सकता है, आपके उठने बैठने का तरीका, या हो सकता है आप बहुत देर तक एक करवट लेटी हुई हैं और आपने पोजीशन चेंज किया, इस वजह से भी राउंड लिगामेंट पेन हो सकता है, यानी पेट में चुभने वाला दर्द आपको हो सकता है। तो आपने अगर पोजीशन चेंज किया या अचानक से आप उठी हैं, अचानक से आपने अपना पोजीशन बदला है, तो ये भी एक आम समस्या होती है राउंड लिगामेंट पेन की कि नीचे आपको दर्द हो रहा है और इस टाइम पे भी आपका पेट कड़क हो सकता है, ये भी बहुत ही आम बात है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसकी वजह से आपके पेट कड़क होने की समस्या हो सकती है, वो होता है संकुचन। जी हाँ, जब हम दूसरा तिमाही के लास्ट में पहुँचते हैं यानी छठवें महीने में पहुँचते हैं, तो उस टाइम पर संकुचन की समस्या हो सकती है, जैसे फेक अलार्म। ये लीवर पेन नहीं होता है, लेकिन लीवर पेन जैसा ही आपको दर्द देगा, लेकिन कुछ सेकेंड्स के लिए। और जब ये दर्द होगा ना, तो हो सकता है आपके पेट में कड़क होने की समस्या आपको फील हो, पर ये जो समस्या है ये सिर्फ 30-60 सेकेंड्स के लिए होती है, इससे ज़्यादा लंबा नहीं आपको फील होगा पेट में कड़क होना। तो ये रीज़न है सेकेंड ट्राइमेस्टर में यानी कि दूसरे तिमाही में पेट कड़क होने की समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है इन वजहों से। अब हम बात करेंगे तीसरे तिमाही की, तो हम बात कर रहे हैं तीसरे तिमाही में। देखिए, तीसरे तिमाही में आपका शरीर तैयार हो रहा होता है डिलीवरी के लिए, तो इस टाइम पे हो सकता है आपकी ये जो समस्या है पेट कड़क होने की, वो थोड़ा उसका स्पीड अप हो जाए, यानी वो जल्दी जल्दी आपको फील हो कि मेरा पेट बहुत जल्दी जल्दी कड़क हो रहा है। तो उस टाइम पे एक्चुअली संकुचन की भी समस्या होती है, क्योंकि आपको बार बार वो पेन फील होता है, तो पेन की वजह से भी पेट कई बार कड़क हो जाता है। एक चीज़ आपको इस तिमाही में ध्यान देना है कि आपका जो पेट कड़क हो रहा है वो 30 सेकेंड से लेकर 60 सेकेंड, इससे ज़्यादा देर तक कड़क ना हो। एक आध बार चल जाता है, लेकिन अगर कई बार आप नोटिस कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपकी बॉडी डिस्कम्फर्ट हो रही है, आपका जो बच्चा है वो सही नहीं है गर्भाशय में, उसका पोजिशन ठीक नहीं है, या उसको कुछ ना कुछ समस्या है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको बहुत देर तक पेट कड़क महसूस होता है, तो आपको क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है, इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। इसके अलावा दो और चीज़ होती है तीसरे तिमाही में पेट कड़क होने की, दो और कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि आपका बच्चा किक बहुत तेज़ी से मारता है, क्योंकि तीसरा तिमाही लग चुका है, तीसरे तिमाही में बच्चे का किक महसूस होता है, उसकी हलचल आपको महसूस होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बहुत तेज़ी से किक मारता है, जिसकी वजह से भी आपका पेट जो होता है कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ टाइम के लिए कड़क हो जाता है, क्योंकि आपकी मांसपेशियों पे दबाव पड़ा है, आपका बच्चा किक मार रहा है, मूव कर रहा है, तो ये रीज़न भी होता है पेट कड़क हो जाने की। दूसरा रीज़न जो होता है वो होता है अगर आपने ज़्यादा खाना खा लिया है तो भी आपका पेट कड़क हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को स्पेस नहीं मिलता है या बच्चे पे दबाव पड़ता है, तो बच्चा अपने आप को टाइट कर लेता है थोड़ी देर के लिए, तो कुछ सेकेंड्स के लिए वो जब खुद को टाइट करता है, तो इस वजह से भी आपके पेट में कड़क होने वाली जो समस्या है ये आएगी ही। तो ये कुछ रीज़न थे तीसरे तिमाही में आपके पेट कड़क होने की। अब हम बात करेंगे कि वो कौन सा सिचुएशन है जिसमें आपको बिल्कुल देर नहीं करना है और डॉक्टर के पास जाना है। तो देखिए, पहली चीज़ तो मैं बता ही चुकी हूँ कि अगर आपका पेट कड़क होने का जो समय है वो 1 मिनट से ज़्यादा है, 2-3 मिनट तक आपका पेट कड़क है और बच्चा मूव नहीं कर रहा है, तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है। सेकेंड चीज़ होती है कि अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, आपके वाइट डिस्चार्ज में से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, या जो आपका वाइट डिस्चार्ज है पीलापन है, हरापन में इस टाइप के कलर में है, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। या फिर बिल्कुल असहनीय दर्द हो रहा है और पेट भी कड़क हो रहा है, तो भी आपको लेट नहीं करना है, अपने डॉक्टर के पास जाना है। तो अब हम बात करेंगे कि पेट कड़क होने का क्या संकेत होता है, क्या इससे भी हम पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। तो ऐसा मानना जाता है ना कि जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो थोड़े अग्रेसिव होते हैं, थोड़े गुस्सैल होते हैं, ठीक है। तो एक ये मान्यता है, ये 100% सटीक तरीका नहीं होता है, ये सिर्फ आप अनुमान लगाने में मदद करता है, लेकिन सटीक तरीका नहीं होता है, कोई प्रमाणित तरीका नहीं है। तो ऐसा माना जाता है कि गर्भ में अगर आप
आपके बेटा होता है ना, तो आपके पेट कड़क होने की जो समस्या होती है वो बहुत फ्रिक्वेंटली होगी, मतलब बहुत जल्दी जल्दी आपके पेट कड़क होने की समस्या को आप फेस करेंगे। वहीं अगर आपके घर में बेटी हुई ना, तो आपको ये वाली समस्या थोड़ी कम होगी। कमर कोल्हे में दिक्कत तो होगी, दर्द तो होगा, क्योंकि वेट बढ़ा है तो कमर में दर्द होना आम बात है, लेकिन आपके स्टमक टाइटनिंग की जो समस्या है वो कम होगी। तो अगर आपके साथ ये समस्या है तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई होगी और क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है ये भी समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।